नागपुर के प्रसिद्ध श्री टेकड़ी गणेश मंदिर को अवर्ग पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। सोमवार को राज्य के पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। 10 साल से इस मंदिर को अवर्ग पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए प्रयास जारी था। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने संबंधित अधिकारियों, मंदिर ट्रस्ट के विश्वस्त और समाज सेवी भूषण दर्वे के साथ बैठक ली थी। इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर 18 अगस्त 2023 को पर्यटन विभाग को भेजा गया था। अधिसूचना जारी होने से गणेश भक्तों में खुशी का माहौल है। टेकड़ी गणेश मंदिर को अवर्ग पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए उपराजधानी के समाज सेवी संगठनों ने प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि समाज सेवी भूषण दर्वे की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वे इस दिशा में 30 फरवरी 2013 से प्रयास कर रहे थे। पहली बार सरकार को इस दिन पत्र दिया गया था। 4 फरवरी 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी दखल लेते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को कार्यवाही के आदेश दिए थे। इसके बाद 17 मार्च 2018 पूर्व जिलाधिकारी सचिन कुर्वे ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। 18 अगस्त 2023 को वर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने प्रस्ताव तैयार कर भेजा। 7 महीने इस प्रस्ताव को मंजूर कर अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अब टेकड़ी गणेश मंदिर को अवर्ग पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को 10 साल लगे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।